हेलो दोस्तों, मैं सहन समा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लो फाई और हाई फाई, मतलब कि लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स एंड हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम्स कैसे होना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। सबसे पहले हमें समझना होगा लो फाई और हाई फाई क्या होता है। लो फाई वो वायरफ्रेम्स होते हैं जो हम पेंसिल से या पेन से अपने कॉपी रजिस्टर या पेपर पे बनाए, ठीक है। हाई फाई होते हैं जो मतलब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाए या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाए। हाई फाई क्यों ज़रूरी होते हैं? ये क्लाइंट से अप्रूवल के लिए ज़रूरी होते हैं। क्लाइंट आपका, अगर मान लीजिए आप सीधा प्रोसेस फॉलो करे बिना सीधा पहले ही सीधा वेबसाइट बनाएंगे बिना किसी यूएक्स के, तो वो आपकी वेबसाइट को हो सकता है कि फाइनल भी करते, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस है वो आपकी फाइल जो आपकी वेबसाइट है वो रिजेक्ट ही होगी, जो मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हाई फाई या लो फाई बनाने चाहिए ताकि क्लाइंट से हम अप्रूव करवा सकें जो हमने रफ स्केचेस ये सारी चीज़ें बनाई हो, ठीक है। अब क्लाइंट को अगर इसमें कुछ चेंज कराना हो या यहाँ पे अपनी जो भी इसके प्रोडक्ट्स हो या उसकी जितने भी थीम्स हो वो हमें अप्लाई करनी हो, तो ये हमारे लिए आसान रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर अब हम पूरी साइट बना दें फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस करें तो। तो इसलिए हमें पहले लो फाई या हाई फाई बनाने पड़ते हैं, तो आज हम यही बनाना सीखेंगे। तो चलिए आइए सीधा अडोबी एक्सडी में। अडोबी एक्सडी में आते ही सीधा सबसे पहले हमने आर्टबोर्ड लिया। आर्टबोर्ड का साइज जो होगा वो 1920 और 1080, ठीक है। ये भी साइज होते हैं, और अडोबी एक्सडी में तीन और साइज है, 1280 इंटू 800, 1366 इंटू 768। और भी फाइल के साइजेस होते हैं वेब के लिए, तो मैं वो सारे डिज़ाइन के जितने भी साइजेस हैं मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल कितना कि जो इसके पूरी विड्थ को कवर अप करें। तो हम एक विड्थ बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको हम हाइट देंगे 120। अब उसके बाद आपको एक यहाँ पे अलाइनमेंट रखने के लिए यहाँ पे आपको एक रूल लेनी पड़ेगी। रूल मतलब रूलर भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये रूल क्या काम करती है, ये आपके अगर कहीं आपको अलाइनमेंट में दिक्कत हो रही हो तो वहाँ पे आपकी मदद करेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से कुछ गैप लेना है 100 का और यहाँ से भी गैप लेना है 100 का, तो मैं बार बार बॉक्सेस रख के वो 100 का गैप देखूँ। इससे अच्छा मैं पहले ये दो रूल खींच दूँ और उसके बीच में डिज़ाइन करूँ, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले वेबसाइट में अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप ढूंढते हैं लोगो, ठीक है। लोगो हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर लोगो, और इसको साइज बढ़ा देता हूँ और बोल्ड पे रखूँगा। मैं यहाँ पर फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट सेंस, गूगल फॉन्ट है, आसानी से मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आप चाहें तो लोगों का साइज थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, सेंटर रखेंगे लोगों। फिर अगला आता है आप किसी की कॉपी लेके या तो सीधा यहाँ पे अबाउट होम ये सारे सेक्शन बना सकते हैं, या तो सबसे पहले आप इस साइड से CTA बटन बनेंगे। अब ये CTA बटन क्या होता है, CTA की फुल फॉर्म होती है कॉल टू एक्शन बटन। ये क्यों ज़रूरी होता है वेबसाइट पे? मान लीजिए आपके वेबसाइट पे कोई कस्टमर आया, आपके वेबसाइट है अपॉइंटमेंट लेने की, ठीक है, लेकिन आपके पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी अपॉइंटमेंट या बुक अपॉइंटमेंट नाउ का बटन नहीं है, तो क्लाइंट या जो भी कस्टमर है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे टॉप में रख देंगे ताकि उसे ढूंढना ही ना पड़े ज़्यादा। बुक अपॉइंटमेंट,
इसे थोड़ा छोटा रखेंगे लोगों से, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे, और यहाँ पे फिट कर देंगे इसे सेंटर में। यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं इसे, और इसका इसे थोड़ा हमें ऐसा बनाना होता है जो अट्रैक्टिव लगे। हम इसे भी प्योर वाइट नहीं रखेंगे। अब देखिए हमारा ऊपर का सेक्शन, इसमें जो दो मेन चीज़ें थी वो लग गई। अब हमारे को पुट करनी है नैप बार। तो नैप बार के लिए क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे आप अभी यहाँ पे खाली वो बना रहे हैं इसके, जो भी मतलब आप अभी यहाँ पे खाली रेफरेंस बना रहे हैं एक तरीके का, जो आपने अपनी कॉपी या पेंसिल से आपने पुट किया हो उसका भी आप बिल्कुल रेफरेंस टिकटॉक कॉपी करने की कोशिश कर। तो अभी मैं यहाँ पे सीधा वो पुट कर देता हूँ, और इसकी हाइट और वेट छोटा रखूँगा। इसको बोलेंगे नैप बार, और नैप एलिमेंट बोलेंगे जो इसके अंदर होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखूँगा मैं अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ, उनके बीच में जो गैप रखेंगे वो आप 40 का ही रखेंगे। 40 क्यों? क्योंकि हम ऐसा रखते हैं जो 8 से डिवाइड हो जाए। अब इसका क्या रूल है, क्योंकि एक ग्रिड पॉइंट सिस्टम पे तैयार होते हैं, ये इसका रूल है। हमारा ये ऊपर का नैप बार बन गया। अब हमें यहाँ पे स्लाइडर लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है? मतलब मैंने अभी बोला स्लाइडर लगाना है, लेकिन स्लाइडर हमें इमेजेस है या क्या है वो क्लाइंट हमें बताएगा। हम अभी पहले रेफरेंस बना रहे हैं, हम इसमें कुछ भी एक भी इमेज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। इसलिए मैं यहाँ पे सीधा ये कर रहा हूँ, और इसकी मैं थोड़ी ऊपर ये नैप बार से थोड़ा अलग कलर दूंगा, या तो आप सेम भी दे सकते हैं, इसमें कोई कलर की दिक्कत वाली बात होती नहीं है। अब यहाँ पे या तो टेक्स्ट आ सकता है या तो इमेज आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेन टूल लेंगे या तो लाइन टूल लेंगे, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और क्रॉस का निशान बना देंगे इसके बीच में। क्रॉस का निशान क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि यहाँ पे एलिमेंट है कुछ। एक्यूरेट होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है? ये आपने लगा दिया। अब इसके बाद तो ये है हेडर, तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेडर बोल्ड, और इसको हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देंगे। हेडर और स्लाइडर, हेडर और स्लाइडर, ठीक है? हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट। अब हम नीचे का पोर्शन बनाएंगे, हाउ वी कैन हेल्प, कि हमारी वेबसाइट पे आके कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप नए कस्टमर हैं तो हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे एक और सेक्शन। हर सेक्शन का कलर अलग अलग रखिएगा, ये इसका रूल होता है, जिससे कस्टमर या क्लाइंट को पता चल जाता है कि ये अलग सेक्शन है, मतलब इसका कुछ अलग रीज़न है यहाँ पे होने का। बस यही है इसका मेन मोटो, कि अलग अलग कलर देने का। कभी भी प्योर कलर यूज़ मत कीजिएगा अपनी वेबसाइट या, ठीक है, वेबसाइट या मोबाइल ऐप या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो उसमें। अब मैंने ये बनाया हाउ वी कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे मैं एक इमेज लगा देता हूँ, जैसा मैंने आपको लेआउट वाली क्लास में बताया था कि हमें इक्वल रखना पड़ता है। अगर हमने इधर बॉक्स लगाया तो अगले सेक्शन में या तो हमें बॉक्स लगाना पड़ेगा, वो भी इस साइड। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ।
आप इतनी बड़ी हाफ इमेज यूज़ कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं क्लाइंट क्या बोलेगा, पर आप हाफ यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है, अगर आपने इस साइड हाफ करिए तो आपको इस साइड टेक्स्ट लिखने की जरूरत कम पड़ेगी, पर फोटो फिर आपको ऐसी लगानी पड़ेगी जो रिलेटिव हो आपके काम, मतलब जो उसका काम है उससे। पेन टूल यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, फिर अगली बार दोबारा लेंगे और फिर यहाँ पे दोबारा ले लेंगे, यहाँ पे इमेज आएगी ये बता रहे हैं। कैन हेल्प सिंपल इसे यहाँ पे अरेंज कीजिए, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, अब इसे हमें इतना चाहिए। इसे छोटा कर देंगे क्योंकि ये खाली हेडिंग होगी हमारी, और इसमें जितना भी टेक्स्ट आएगा वो नीचे आ जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे बना देते हैं रेक्टेंगल, यहाँ से शुरू करके यूँ बना देंगे। आपने ये लगा दिया आप अपॉइंटमेंट, बुक अपॉइंटमेंट का बटन, इसे उठा के ले आते हैं सीधा। और लेयर्स में इसे सबसे ऊपर रखना पड़ेगा हमें, ग्रुप और इसे राइट अलाइन करेंगे, सॉरी लेफ्ट अलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बटन हमें कुछ हल्का सा लगा है, तो इसे बड़ा करेंगे और यहाँ पे रख देंगे, और इसकी ओपेक्सिटी कम कर देंगे, क्लिक जितनी करनी है उस वाले बटन पे लिख। हमारे दो सेक्शन बन गए, अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हमें वही टूल फॉलो करना है, साइज बढ़ाएंगे। अब आपने बता दिया कि आप मदद कैसे करते हैं, अब नेक्स्ट जो इसमें स्टेप होगा वो होगा कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सर्विस के लिए आपको मैं सिंपल सा एक बताता हूँ, वो अगर आप टेम्पलेट हर जगह लगाएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। सर्विसेज और प्रोडक्ट, सेंटर लाइन ऊपर से 40 का गैप, अब यहाँ पे दो तीन तरीके होते हैं, मैं दोनों बना के दिखा देता हूँ आपको। एक तो पहला, आप अपनी सर्विसेज ऐसे रख सकते हैं, एक बॉक्स बना दिया, यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्स में इमेज, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे अपना कंटेंट के क्या सर्विस है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ईयर्स, मतलब जो भी सर्विस का नाम होगा जैसे अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे एक CTA बटन हो जाएगा छोटा सा, भी है बुक अपॉइंटमेंट। और यहाँ पे आप एक और चीज़ लगा सकते हैं, बेस्ट इन क्लास, ठीक है, ये और वो देगा। अब आपको ये हो गया, अब आप दूसरी सर्विसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, सर्विस का नाम, ठीक है, बिल्कुल इसके साइड में, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा क्योंकि ये सर्विस वाला पेज है। सर्विस वाले पेज में हमें सबसे मेन पेज होता है ये अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। अब अगला, फिर इसको नीचे यहाँ पे आप उस सर्विस का थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं, जो मैं प्रेफर करता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे जाए, इसलिए मैं जो ये वाला डिज़ाइन होगा
जो यहाँ पे मैंने बनाया था वो वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आपको ये वाला तो समझ आई गया, अभी मैं यहाँ पे बना के जल्दी से अगले स्टेप पे आता हूँ। यहाँ पे मेरी आएगी सर्विस की, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। अब आपको एक अडोबी एक्सटी का कमाल दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे नीचे ब्लैंक छोड़ देता हूँ इतने, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है रिपीट ग्रिड करके, कंट्रोल आर से या रिपीट ग्रिड सीधा करके आप सीधा जितनी भी सर्विसेज हो उतना बीच में गैप बढ़ा लीजिए। जैसा मैंने बताया था 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। 8 ही रखा मैंने, एक दो आगे पीछे चले जाता है वो। आप जब एकदम अंदर घुस के काम करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। फिर आप नीचे और इसको साइज बढ़ाएंगे। अब इस वाले बैनर को नीचे लेंगे, पूरा बैनर नहीं खाली मैं उतना ही लूँगा। और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लाइंट रिव्यू। अब क्लाइंट रिव्यू और क्लाइंट फीडबैक्स दोनों सेम ही चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लाइंट रिव्यू और फीडबैक्स कैप देखिए इसमें 28 हमें कितना रखना 40। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत डिज़ाइन में यूनिकनेस दे देती है। अब यहाँ पे आप चाहें तो जैसा आपने ऊपर किया ये या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ग्रुप कर लीजिए। और सेंटर लाइन कीजिए और दो ही रखिए बस, और इनका साइज बढ़ा दीजिए। सिंपल सा इतना सा फंडा करना है। या तो अगर आपको ऐसे रखना है आप ऐसे भी रख सकते हैं जैसे मैंने इस वाले डिज़ाइन में रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वैसे भी आपको टाइपिंग चीज ही आएगी यहाँ, इसलिए ये आप जैसा भी रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। अब इतना बन गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सीधा क्लाइंट का फेस लगाएंगे। इसके बीच में 40 का गैप भी रखेंगे हम। इसके बीच में आप ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो मेन वो है, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि अप्रॉक्सीमेटली 100 रख लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली कन्फर्म 100 सौ 3 4 5। अब यहाँ पे ये वाली लाइन उठा लेते हैं, एक बार पहले इसे टॉप से अलाइन कर लेंगे और इसे सेंटर टॉप से अलाइन कर लेंगे। उसके बाद एक बार शिफ्ट और एरो डाउन की को प्लस करेंगे, इतना नीचे लेके जाएंगे। हम बाद में भी अरेंज कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका ये अरेंज हो गया तो ग्रुप करके इसके सेंटर में कर लीजिए। आपका डिजाइन तैयार है,
ये मेरे को ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे बनाएंगे हम एक एरो की, या तो आप नीचे नेविगेशन बना सकते हैं, पर मैं एरो की बनाता हूँ। इस वाले में एरो की बनाने के लिए आप एक शिफ्ट के साथ एक प्रेस कीजिए पेन टूल, फिर अगला, फिर यहाँ पे, और ये कंप्लीट है आपका। और यहाँ पे आप इसे कर लीजिए ये वाला जो सेंटर में राउंड कैप। और इसे रख दीजिए, ये जो हमने शुरुआत में अपने लिए अलाइनमेंट बनाई थी, जो लाइन ड्रॉ की थी, इसे इतना रखिए। और आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट है। अब हमारे ये सेक्शन हो गया है। अब हम इसमें बनाते हैं गेट इन टू टच, गेट टच विद अस, ठीक है। हम इस वाले को अभी उठा के साइड में रखते हैं क्योंकि एक एरर हो गया, या मैं इसके नीचे बता देता हूँ, पर वो इसके ऊपर आएगा, मतलब ये वाला जो सेक्शन है वो उसके नीचे आएगा जो मैं बनाऊंगा। सॉरी गलती हुई, पर कोई नहीं। इसकी कॉपी ले ली। अब यहाँ पे मैं एक सेक्शन जो भूल गया था वो उसमें रखनी है मेरे को प्राइम मेंबरशिप, क्योंकि आजकल हर वेबसाइट पे कुछ ना कुछ मेंबरशिप प्लान चलते ही रहते हैं, तो इसलिए ये भी मेन ही बन गया आजकल हर साइट में मेंबरशिप। आपने मेंबरशिप लगा दी, अब यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे इसमें दो तीन चार, जितने मर्जी आप इसमें बना सकते हैं, एक स्टार्टर, एक प्रीमियम, एक उससे थोड़ा कम, एक उससे थोड़ा ज़्यादा, आजकल जैसे चलता रहता है। मैं इसे थोड़ा और ही बड़ा कर लेता हूँ, बार बार करने से अच्छा। तो यहाँ पे मैं एक वो बनाऊंगा बैनर, नॉर्मल से बैनर हो गई है, ठीक है। हल्के से राउंड कर दिए इसके कॉर्नर्स 20। स्टार्टर सेंटर, ग्रुप और सेंटर अलाइन कर देंगे। और यहाँ पे एक और सीटीए बटन दे देंगे गेट स्टार्टेड। और मैं सीधा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। वीडियो हो गई थोड़ी लंबी, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अब बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक गेट स्टार्टेड लिखेंगे और इसे एक में बॉर्डर लेस होगा जो स्टार्टर वाला होगा, और एक में बॉर्डर, सॉरी, एक बॉर्डर वाला होगा जो स्टार्टर प्लान होगा, और एक होगा प्रो जिसमें बिना बॉर्डर होगा। अलाइनमेंट आप इसमें 40 रखेंगे। अब अगला इसमें आता है गेट इन टच, गेट विद टच इन, गेट इन टच विद अस। तो अब यहाँ पे हमने बनाया, एक तरीके का न्यूज़लेटर होता है ये गेट टच। बस, और यहाँ पर हम ऐसे रख देंगे और 40 इसमें फिर भी आप दे देंगे। तो हमने ये वाला सेक्शन बना दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बटन बनाएंगे, ये न्यूज़ लेटर होता है। इसमें क्या होता है, आप अपनी डिटेल फिल करते हैं, आपको इस वेबसाइट से क्या सर्विस चाहिए ये आप फिल कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के।
तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल आती है मेनली, जैसे यहाँ पे आएगा योर नेम, ईमेल आईडी, किसी वेबसाइट में फ़ोन नंबर भी होता है, लेकिन आपको पता ही आप फ़ोन नंबर डालेंगे इतनी आसानी से वेबसाइट पे, तो इसीलिए यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन होता है। और तीसरा होता है इसमें कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए इस पेज पे। और चौथा होगा इसमें कि अगर कोई मैसेज हो तो मैसेज पुट कर सकते हैं आप। और लास्ट में इसमें एक बटन बनाएंगे सबमिट का। मैं इसमें आपको खाली वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। यहाँ पे सबमिट। अब अगला आता है इसमें फुटर। फुटर का क्या काम होता है, वो सारी जितनी भी ऊपर चीज़ है वो सारी दिखाएगा। उस फुटर डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है, इसमें लोगो आता है, सोशल आइकन्स आते हैं, इम्पोर्टेंट लिंक्स जो आपके उसमें होंगे नेप पे होंगे वो ये सारे इसमें आएंगे। गेट इन टच में आ जाएगा इसमें, जैसे आपका फ़ोन नंबर हो गया, मतलब जो बना रहा है उसका फ़ोन नंबर। और यहाँ नीचे वाले में हो जाएगा ईमेल आईडी, नीचे अगर कुछ और उसे लिंक देने तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाएगा ऑल राइट रिजर्व्ड बाय, जिसकी भी ये वेबसाइट है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस।